In Harvard above me, I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend, she's 23. She left her body in Harvard above me. Best friend to 23, I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for now. Now you're gone, I'm alone. Yes, it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone.
अरे यहाँ पे हमारा आज स्टार्ट हो चुका है गेम। सॉरी गाइस, ज़रा लेट हो गया, ज़रा आधे स्क्वाड ने ज्वाइन नहीं किया तो सो ज़रा हल्का सा लेट हो गया। चलो देख लेते हैं कितने स्क्वाड्स आए हैं। टोटल 25 स्क्वाड्स है। ओके, कुछ कुछ लोग मिसिंग है। दो तीन स्क्वाड नहीं आए फिलहाल, फिर भी स्टार्ट करेंगे हमारा गेम। प्लेन पादाता हुआ, प्लेन पर जाता हुआ साउदर्न साइड की तरफ। ओके, प्लेयर स्टार्ट हो चुके हैं अपने ड्रॉप पे जाते हुए। MJ की स्क्वाड, WTF की स्क्वाड जाते हुए लिपोका की तरफ। नीतीश की स्क्वाड जाएगी स्टेलवर पे, लूट करेंगे अपनी। ओम साई की स्क्वाड शायद तक सेवर नहीं जा रहे हैं। रोज ऑफ में क्लस्टर देखने मिल गया। ऑप्टिक की स्कार्फ में भाई कुछ अलग ही हो गया, ऑप्टिक का एक प्लेयर अलग रह गया है। उतर चुके हैं सामने कंपाउंड में लूट करने के लिए। मैं अर्ली बैटल देखने मिल सकता है रोजक से। अपार्टमेंट्स में क्लस्टर बनता हुआ मल्टीपल टीम्स का। पोचिंग की में यहाँ पे अद्वैत अपनी लूट कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में उनके रहेगी ग्राउंड लेवल पे MJ न्यूरल की स्क्वाड। वोटेक्स चले हैं गट का, कोवा डैनी चले हैं गट का अपनी स्क्वाड के साथ। एटम एंटी 4HMC की स्क्वाड जा रही है मिलिट्री बेस के। सर्कल बनता हुआ नॉर्दर्न साइड की तरफ, बड़ा क्लस्टर देखने मिल रहा है हमें यहाँ पे अपार्टमेंट्स पे। अभी तक किल फीड में कोई भी नाम नहीं। ऑफटेक के ड्रैगो, ओके, इनकी स्क्वाड गलती से सेपरेट हो गई है शायद से स्विच करने के टाइम पे। प्रेजेंट रहेंगे, वे फाइट देखने मिल सकती है। अपनी लूट कंप्लीट कर रहे हैं सब प्लेयर्स। देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर की स्क्वाड अपनी लूट कंप्लीट कर रही है। सामने 10 नंबर की स्क्वाड प्रेजेंट है, शायद ही स्पॉट कर लिया है प्लेयर्स को। पास में रहेगी रोटेशन मारते हुए ऑप्टिक ड्रैगो की स्क्वाड। उतारा जा सकता है वगी से इनको। ओके, शकुल चवन को डाउन कर दिया गया है, महेश कर देंगे डाउन। कहाँ पे है महेश? भाई महेश कहाँ पे हो आप? गन पावर, ओके, यहाँ पे फाइट चालू है रोजॉक में। मल्टीपल फाइट देखने मिल रही है हमें। कर दिया है डाउन स्क्वाड नंबर 8 के प्लेयर को। नेक्स्ट दारू वाला की तरफ से महेश की स्क्वाड हो चुकी है एलिमिनेट विद 1 किल्स। रॉक किलर फैट हो चुके हैं डाउन यहाँ पे फाइट लेते हुए। यहाँ पे ऑप्टिक की स्क्वाड के मेंबर अलग हो चुके हैं, सभी अलग अलग जा चुके हैं।
यहाँ पे हमें आदि 1v4 का सिचुएशन देखने मिल सकता है। अद्वित सोलो प्लेयर शायद इनको स्पॉट कर चुके हैं। MJ की स्क्वाड किंगस्टन ने डाउन कर दिया है किसी प्लेयर को कि किंगस्टन फिलहाल स्कूल में अपनी लूट कर रहे हैं। साउदी स्मार्ट को डाउन कर दिया है। क्या कर रहे हैं किंगस्टन इनके साथ मस्ती करने के मूड में है। मार नहीं रहे भाई इनको। या फिनिश कर चुके हैं। ये देखेंगे अद्वित ने कर दिया है डाउन एक प्लेयर को टैप शॉट देते हुए स्पॉट करके। एक नॉक निकल चुके सामने से आते हैं। डैमेज पड़ता हुआ देखेंगे। 1v3 का 4 1v3 का सिनेरियो नेड कर दिया और ये पिकअप हो चुके। एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। 1v3 फिलहाल 2 प्लेयर सर्वाइव कर जाता हुआ बहुत ही गंदा तरीके से खेल रहे हैं। एक नेड करेंगे। नेड घातक साबित हो सकता है अगर कंटिन्यू टच हो चुके हैं तो। टच होगा तो बहुत घातक। नेड ग्लिच हो गया है। स्मोक डाल दिया है। ओके भाई एक्सपेक्टेड था कि भाई निकाल सकते हैं पर यहाँ पे एक सोलो प्लेयर उनके अभी 1v1 सिचुएशन अगर ये निकालते तो पूरी स्क्वाड वाइप हो सकती है। स्पॉट कर लिया है प्लेयर को। रीलोड करेंगे। हील कर रहे हैं खुद को। एक प्लेयर हो चुके हैं रिवाइव और उन्हीं की तरफ से कर दिया जाएगा देखो नॉक। ऑलमोस्ट पूरी स्क्वाड खा ली थी बट समहाउ मैनेज कर लिया MJ की स्क्वाड ने। टीम किल्स 1 अद्वित भाई बहुत अच्छे खेले। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 प्लेयर डाउन हो चुके हैं स्क्वाड नंबर 8 के। स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं स्क्वाड नंबर 10 को। स्क्वाड नंबर 10 के 3 किल्स। यहाँ पे कोलिजन दिखता हुआ किंग SK और किंग RK कहाँ प्लेयर स्पॉट करने की कोशिश। बॉन्ग हर्ष पार्टी को स्पॉट कर चुके हैं। देखते हैं कवर का सहारा है। नेड करेंगे। किंग इसके वेट कर रहे हैं। नेड आ चुका है। घातक साबित हो सकता था अगर नेट टच होता तो प्लेयर को। फिलहाल 2 प्लेयर डाउन है इनके। 2v4 खेल रहे हैं और एक नेट आया। कोई डैमेज नहीं। किंग RK ने डाउन कर दिया है और प्लेयर फिनिश हो चुके हैं। और तनिष्क ने 4NK को डाउन कर दिया है। ओके कहाँ पे है भाई ऑप्टिक भाई। यहाँ पे स्क्वाड को लीजन दिखता हुआ हमारे ऑप्टिक तनिष्क की तरफ से एक प्लेयर डाउन है इनका। ऑप्टिक ड्रैगो को फिनिश कर दिया गया है। रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। गॉडल तनी स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। रोटेशन मार के जाएंगे। एक प्लेयर गवा चुके हैं और एक नॉक देते हुए गॉडल तनी श्री पर ऋतिक का नॉक कर दिया है। ओपन में आएंगे। कवर में जाना पसंद करेंगे। MK का फायर वहाँ से। सोलो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं फिलहाल। कुछ आ गया है इन पे देखते हैं निकाल पाएगा या नहीं। यहाँ पे निकाल के फिनिश कर दिया जाएंगे और यहाँ खुद भी फिनिश हो जाएंगे। गॉड एक तनिष के एक 1 कैजुअल्टी के नुकसान पर टीम की 5 बहुत ही उमदा तरीके से खेलते हुए। वीडियो गेम की
स्क्वाड की कहाँ फाइट हो रही है, यहाँ से रोटेशन देते हुए स्क्वाड नंबर टू सभी प्लेयर जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे नॉक, यहाँ पे हमें कोलिजन क्लैश देखने मिल सकता है ऑप्टिक पार्थे, यहाँ पे ऑप्टिक पार्थे को कर दिया है डाउन और कर देंगे फिनिश। आरडब्ल्यू किंग स्लेयर की तरफ से हो जाएंगे फिनिश। सोई भाट रोजॉक में आते हुए और एक एयर ड्रॉप आता हुआ देखेंगे, इसमें क्या है, ग्रोजा है विद एयर सप्रेसर और लेवल 3 हेलमेट वेस्ट के साथ लेवल 3 बैक भी। देखेंगे भाई किधर प्रेजेंट है, अपार्टमेंट्स में 1v क्या कर रहे हैं, टीम अप करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट मैच हम इनको लेंगे नहीं, टीम अप करने की ट्राई करके मारना चाह रहे हैं। 1v3 का सीनरी यहाँ पे, 2 men डाउन हो चुके हैं, कांडी मैन वाइटी के स्टन ग्रेनेड करेंगे, शायद से अंधा करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉल बैक हो चुके हैं डर के, भाई इनको कुछ सीख नहीं रहा। स्नैक्स एंड दारू वाला टेंजिंग ने कर दिया है डाउन यहाँ पे एक प्लेयर को, 1v1 सिचुएशन था, एक प्लेयर की लॉस फिर टीम किल्स 1। यहाँ पे वोटेक्स क्या कर रहे हैं, लूट कंप्लीट कर रहे हैं, सोई वाट ने कर दिया है डाउन, गन फायर हो चुके हैं डाउन, अनफार को रिवाइव दिया जा रहा है, सोई बट हो चुके हैं फिनिश। ओके हमें रोटेशन क्लैश देखने मिल सकते हैं, WTF स्क्वाड टीम किल्स तो रोटेशन मारते हुए अपार्टमेंट्स की तरफ मूव करना चाहेंगे, ऑलरेडी अपार्टमेंट्स में 2 स्क्वाड प्रेजेंट है। ओके नॉर्दर्न साइड से नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्लस्टर बनता हुआ जोन का और एक एयर ड्रॉप आएगा, प्रेजेंट रहेगा एयर ड्रॉप नंबर 4, उसमें रहेगी AOG विथ एक्सटेंडेड 5 की गोली प्लस लेवल 3 हेलमेट वेस्ट, कोई भी पास नहीं एयर ड्रॉप लूटने के लिए। चलो चलते हैं भाई अपार्टमेंट्स की तरफ, WTF की स्क्वाड ने शायद ही स्पॉट कर लिया है रिजेस के ऊपर से, ऑलरेडी 4 बड़ा क्लस्टर बनता हुआ यहाँ पे। रिच से शॉट आते हुए मल्टीपल क्लस्टर देखने मिल सकता है हमें, यहाँ पर TP भी लेते हुए फ्लॉप आपा अगर एंटर करते हैं तो मारे जाएंगे। सिल्वर किंग बैठे है स्टेज के ऊपर TP भी लेके, अगर कोई भी आएगा तो सीधा स्प्रे में निकल सकते हैं, दिखते हैं आगे क्या होता है। चलिए नीचे से स्क्वाड पुश नहीं कर रही है MJ की स्क्वाड, ओके कार्डी विफॉइट गन पावर को कर देंगे डाउन, यहाँ पे फाइट देखने मिल सकते हैं हमें, गन पावर मोहित कर देगा WTF एलेक्स को डाउन, पिकअप कर चुके हैं, यहाँ पे हमें फाइट देखने मिल रही है, डार्क स्पाइडी वेसेस चलाते हुए मूवी हल्क डाउन कर देंगे प्लेयर को, कवर में आने की कोशिश, राइट में हमारे 2 प्लेयर डाउन हो चुके हैं। ओके केतिश कर गॉड को कर दिया है डाउन, केतिश को फिनिश कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, फंस चुके हैं डार्क स्पाइडी, स्पॉट कर चुके हैं तीनों तरफ से शॉट आते हुए, ADS देने ADS खोल के रखा है क्या नौकर से कि या नहीं, अच्छा गोल्डन चांस मिस कर चुका है स्नैक्स दारू वाला, प्लेयर 1
काल एफ वाई को हो जाएगी फिनिश रिवाइव नहीं देने के कारण। साड़ी के पास पी एस एस होते हुए एक क्लियर नॉक कर चुके हैं, अभी इनको रिवाइव देना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अरे गाड़ी का कवर लेते हुए गाड़ी में बैठते हुए क्या इनको नॉक कर दिया जाएगा या नहीं? नहीं नॉक नहीं कर पाए डार्क साड़ी। गाड़ी का स्प्रे आता है वह यहाँ पे 4 HM को क्या कर रहे भाई, गाड़ी को ब्लास्ट करने बोल रहे शायद से। पीछे से MH8 हल्का कवर आता हुआ स्प्रे आते हुए इनके ऊपर नगजार वाला को कर दिया है डाउन। यहाँ पे साड़ी सोलो मैन सरवाइव कर रहे हैं, रिवाइव देने को जाएंगे, देखते हैं रिवाइव कंप्लीट करने से पहले रश होता है या रिवाइव देके नॉक निकाल फिनिश कर देते हैं सामने वाली टीम को। ये सामने रिवाइव कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट और यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। ओके हील ऑफ कर लेंगे खुद को। डार्क साड़ी को कर दिया है फिनिश, कोई थर्ड पार्टी एंगेजमेंट देखने मिल रहे हैं हमें। तनिष्क ने कर दिया है डाउन डार्क साड़ी और स्नैक्सार वाले की स्क्वाड हो चुकी है फिनिश। यहाँ पे हमें देखते हैं अपार्टमेंट्स में अभी भी फाइट चालू है। अभी भी किसी स्क्वाड ने पुश नहीं किया, तीनों स्क्वाड एक ही बिल्डिंग में, SV की स्क्वाड, WTF की स्क्वाड, एक सोलो कैंडीमैन आरटी और MJ की स्क्वाड एक ही बिल्डिंग में। नेड आता हुआ किंगस्टन तो अकेले है स्कूल में, किंगस्टन के ऊपर कौन से स्क्वाड का प्रेशर है? WTF की स्क्वाड का प्रेशर है। स्पॉट कर लिया किंगस्टन को डब्ल्यू विड गेम ने कर दिया है फिनिश और हो जाएंगे एक किल के साथ एलिमिनेट किंगस्टन। चलिए बढ़ती है अपार्टमेंट की तरफ। अपार्टमेंट्स में मल्टीपल फाइट्स तो देखने मिल सकते हैं पर कोई भी पुश नहीं कर रहा है, दूर से शॉट्स आ रहे हैं। रोजा खींच से शॉट आ रहे हैं और बच चुके हैं मिस्टर जॉन, कोई आइडिया नहीं हो जाएंगे मिस्टर नॉक ओम साई की तरफ से, ओम साई कर देंगे एक प्लेयर को नॉक। देखते हैं रिवाइव मिलना मुश्किल है या नहीं। यस रिवाइव दिया जा रहा है उनको वहाँ पे WTF वेदांत की तरफ से। हमें फ़िलहाल कोई भी कैजुअल्टी देखने नहीं मिल चुकी है, कोई भी स्क्वाड पुश नहीं कर रहे अपार्टमेंट्स में। ओके वॉश डाउन कर दिया है गैस कैन को और हो चुके हैं डाउन फ्लॉप पापा। नेड आ चुका है, नहीं स्मोक डाला है, विड गेम ने कर दिया है डाउन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को। एक कैजुअल के हो जाएंगे रिवाइव, अपने आप को हील ऑफ कर रहे हैं और अभी तीन कैजुअल। सेकंड फाइट देखने मिल रही है हमें, एक प्लेयर हो चुके हैं डाउन वो कैंडीमैन कर देंगे स्लॉप आफा और SV स्टॉम सरवाइव करते हुए पर रश मारने की कोशिश करेंगे शायद ही अपने प्लेयर को रिवाइव दे रहे हैं यहाँ ही बैठ के, वेरी रिस्की हो सकता है। यहाँ पे मोहित हो जाएंगे रिवाइवर और खुद को कर लेंगे हील ऑफ। यहाँ पे विड गेम को कर दिया है डाउन वापस एक सर के लॉस में ओम साई की टीम, रिवाइव दिया जा रहा है वापस मिस्टर जॉन को, विड गेम हो जाएंगे फिनिश। एक प्लेयर की कैजुअल्टी के साथ जोन के अंदर शिफ्ट लेना चाहेंगे। क्लस्टर दिखने मिलता हुआ अभी भी यहाँ पे ओम साई ओम के शॉट दिखाते हुए ओम की ताकत दिखाते हुए पीछे स्पॉट करेंगे या नहीं। यस पीछे स्पॉट कर लिया है
डैमेज पड़ा है इनके प्लेयर का। पीछे स्क्वाड नंबर आ चुके हैं टू, डेड लेजेंड को कर दिया है नॉक बाय स्क्वाड नंबर टू के प्लेयर साइरस सीएट। 4 HM कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ओम की ताकत बता रहे हैं। 4 नंबर प्रेजेंट है यहाँ पे, 4 नंबर की स्क्वाड के साथ फाइट हो रहे हैं। 1 कैजुअल्टी, देखते हैं रिवाइव मिलेगा यहाँ नहीं। यहाँ पे हील ऑफ कर रहे हैं खुद को ऊपर अपार्टमेंट्स में, ऑलरेडी स्क्वाड प्रेजेंट है। क्या कर रहे हैं, वॉट फार देना, नेड आ चुका है, क्या नॉक हो जाएंगे? यस, यहाँ पर नॉक हो चुके हैं एमजीएल की तरफ से। फॉलो बैक करने की कोशिश कर रहे थे बट वॉट लेट हो चुके हैं। सारिस कर देंगे फिनिश, प्ले जोन से हो जाएंगे एमजी नोहर डाउन, फ्लाप पापा भी डाउन हो जाएंगे। सार्थक किंग अकेले पहुँच पाएंगे या नहीं? कोई भी हीलिंग नहीं है, 0 डैमेज, 0 बैंडेज, सब 0 हो चुका है। जोन को पार करने से पहले ही मर जाएगा, एस बी स्टॉकर को कर दिया जाएगा फिनिश। फ्लॉप पापा भी ट्राई कर रहे हैं जोन के अंदर जाने के लिए, वो नामुमकिन हो सकता है क्योंकि जोन बहुत दूर है। आपको जोन को पहले रिस्पेक्ट कर देना चाहिए था बट वॉज टू लेट। यहाँ पे भी डाउन हो जाएंगे 1 कैजुअल्टी के साथ एम जी की स्क्वाड। कम हीलेंगे, खुद को हील करके ट्राई करेंगे जोन के अंदर पहुँचाने के लिए। फ्लॉप पापा हो जाएंगे फिनिश, प्ले जोन से हो जाएगा डैमेज। सार्थक सिल्वर किंग हील कर रहे हैं, 5 बैंडेज हील चुके हैं, क्या ये जोन के अंदर पहुंच पाएंगे? यहाँ पे हमें सोलो प्लेयर देखने मिल रहा है रूम्स के अंदर, वोटेक्स नाम है इसका। स्क्वाड नंबर टू का रोटेशन देखने मिल रहा है हमें। प्ले जोन से हो चुके हैं नॉक मोहित, क्या मोहित को रिवाइव दिया जाएगा? जी नहीं, रोहित को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि यादव प्लेयर्स के पास भी शायद तक बैंडेज नहीं है। ट्राई करेंगे कि मोहित को रिवाइव दिया जाए। और एक जोन बनता हुआ है कहाँ पे, ईस्टर्न नॉर्थन साइड पे। देखिए ड्रॉप में क्या है, ड्रॉप नंबर 670 भाई, ऐसा कैसा होएगा? हाँ, ऑग है लेवल 3 हेलमेट वेस्ट और बैक ऑफकोर्स। स्क्वाड नंबर 24 बटास्की की स्क्वाड लूटेगी विथ 1 कैजुअल्टी, कोई भी फाइट लेने के लिए नहीं, टीम किल्स 1। दमवार रोटेशन देते हुए स्क्वाड नंबर 4 होम साइड की टीम विथ 2 पीपल लॉस। अभी भी सार्थक जोन के अंदर खुद हील करते करते हुए बैंडेज मिल चुकी है। यहाँ पे होम साइड ने कर दिया है डाउन ओम से। ओके, एम जे की स्क्वाड हो चुकी है फिनिश फुल्ली ऑफ प्ले जोन के अंदर। सिविक स्क्वाड कुवा डैनी आइटम एंटिक स्क्वाड प्रेजेंट है, कोई भी फाइट नहीं, कोई भी नहीं, अकेली स्क्वाड प्रेजेंट है जोन के अंदर। WTF की स्क्वाड विथ 1 लॉस विड गेम एज पे रहेगी प्रेजेंट। अभी देखते हैं यहाँ पे गॉर्डन तनिश फाइट लेते हैं या नहीं, सोलो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं विद टीम किल 6। सार्थक बहुत टाइम से सरवाइव कर रहे हैं और यहाँ पे हो जाएंगे प्ले जोन से फिनिश। ओके, अभी भी MHZ हल्क रोटेशन देते हुए जोन के अंदर है फिलहाल मौजूद, बट प्रॉपर जोन के अंदर मौजूद नहीं। और एक जोन आ चुका है 20 सेकंड में। यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं वोटेक्स शायद ही, या फिर वोटेक्स ने स्पॉट कर लिया है, स्प्रे देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कोई भी गोली टच नहीं होते, WTF एलेक्स और फाइट होते हुए बट उसकी को हो जाएंगे डाउन WTF एलेक्स की तरफ से। मॉली आते हुए टेंजिंग वर्दन को डाउन कर दिया गया, फिनिश ऑफ भी करना चाहेंगे, फिनिश ऑफ कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। नीड करेंगे, यहाँ पर नीड कर चुके हैं, वहाँ ने स्मोक कर दिया है। ओके, WTF की स्क्वाड हो चुकी है एलिमिनेट, भाई क्या था ये, हर टाइम WTF की स्क्वाड अच्छा खेल जाती है, वरी इस टाइम क्या हुआ क्या मालूम नहीं। WTF की स्क्वाड विथ 4 किल्स, ओके गाइस, वेल प्लेड। वटोस्की की स्क्वाड विथ 4 किल्स,
यहाँ पे वोटिक्स अभी भी होल्ड किए हुए, ओके रोटेशन देना चाहेंगे। गाड़ी पानी के अंदर अटक चुकी है, वह क्या करेंगे भाई, हील कर रहे हैं, बहुत डैमेज होगा ये वाला जोन। गौड़ेल तनिष अभी भी जोन के अंदर जाने का ट्राई कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं, पानी से तैर के जाएंगे। ओके ऊसाई की टीम को गाड़ी मिल चुकी है और रोटेशन देना स्टार्ट कर दिया है। प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे एटम की स्क्वाड, वोर्टेक्स हो चुके हैं, प्ले जोन से डाउन और हो जाएंगे फिनिश। हमें स्पॉट कर दिया, एम फोर विशाल डाउन कर दिया है एमएच अल्टोल को। के नाइन के शॉट देते हुए रश करना पसंद करेंगे, पीछे से एम फोर ओम साई की स्क्वाड कर सकती है बैक स्टैप। हाँ बड़ी एम फोर विशाल ब्रो मालूम है भाई मेरे को, कर चुके हैं स्पॉट, पीछे से स्ट्रीम स्नाइप हो रहे हैं भाई, फिर भी 30 सेकंड डिले है, बड़ी वो कर चुके हैं। कुफा डैनी दो प्लेयर को डाउन, एक प्लेयर को डाउन और फोच कर चुके हैं फिनिश। क्या ही हो रहा है भाई लोग, देखना पड़ेगा। कुफा डैनी और उसकी स्क्वाड टीम किल्स टू, रोटेशन देते हुए सर्कल के अंदर जोन के एज में प्रेजेंट। बैक स्टैब हो सकते हैं ओमसाई और उसके पार्टनर गॉडेल तनिष की तरफ से अगर स्पॉट कर लिया जाए तो, और यहाँ पे इनको स्पॉट कर लिया गया है, यस मोरा को स्पॉट कर लिया गया है। कोई फायर कोई प्रेजेंस नहीं फील करवाएंगे अपने, शायद से अच्छा मौका ढूंढ रहे हैं दोनों प्लेयर्स के लिए एक्सपेरिमेंट डाउन करने के लिए। यहाँ पे बटाउके की स्क्वाड देखेंगे और हो चुके हैं फ्रैप डाउन प्लेयर्स, और फायर आता हुआ एक प्लेयर को कर देंगे डाउन, वहाँ से हो जाएंगे फिनिश, चेंजिंग कर देंगे नॉक और फिनिश स्क्वाड ओम साई को। यहाँ पे फ्रैप को रिवाइव दिया जा रहा है टीम स्किल से, यार यहाँ पे नॉक हो चुके हैं एम फोर विशाल की तरफ से, कर देंगे रश, अभी देखते हैं रिवाइव दिया जा रहा है या नहीं। सोलो मैन स्टैंडिंग टेंजिंग ओपी रिवाइव दे रहे हैं अपने प्लेयर को, यहाँ से रश आ रहा है। ओके रश नहीं कर रहे, कोई आइडिया नहीं, कोई इनको कोई आइडिया नहीं है लगता है, रशिंग नहीं कर रहे। पीछे से गौड़ेल तनिष्क धीरे धीरे सांप की चाल की तरह चलते हुए, देखेंगे क्या ही चल रहा। पहले जोन को फेवर करेंगे अंदर जाके, टीम किल 6। ओके जोन उधर ही वहाँ पे बनता होगा, ओके धीरे धीरे क्लोज इन करते हुए टेंजिंग की तरफ से स्प्रे आता हुआ, बहुत डैमेज कर चुके हैं, हेलमेट उड़ा चुके हैं अपने, ऑलमोस्ट अपने आप को हील ऑफ कर लेंगे। एम फोर विशाल अपने इन्हें कवर बनाते हुए टॉक्सिक फ्लैंक एंगल ट्राई करने का कोशिश, पर इनको अलाव नहीं किया जाएगा। पीछे से गॉडल तनिष्क का बैक स्टैप एटम कर देंगे वटास्की को डाउन, स्पॉट कर चुके हैं, फ्रैप देंगे रिवाइव वटास्की को, वेकअप बज डाउन कर रहे हैं कुमार डैनी। एम फोर विशाल खा चुके हैं डैमेज, गाड़ी को बज डाउन कर लेंगे, अच्छा कवर बना लेंगे अपने आप के लिए। टेंजिंग ऑफ स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा अंदाज़ा लेते हुए गौड़ेल तनिष्क दोनों स्क्वाड का कहाँ पे कौन प्रेजेंट है, मौका मिलते ही फिनिश कर देंगे पूरा, कोई प्रेजेंस नहीं फील करा रहे अपने फिलहाल। ओके गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, विशाल को डैमेज आता हुआ टेंजिंग ओपी की तरफ से,
और लिया था स्पॉट टेंजिंग होफी को एटम एंटी ने, पर डैमेज नहीं दे पाए। स्मोक वॉल बनाएंगे अपने लिए जोन के अंदर जाने के लिए, देखते हैं बटा उसकी और उसकी स्क्वाड अलाउ करेगी या नहीं। M24 लेके फाइन 911 फ्रैब स्पॉट क्लियर कर दिया है एटम एंटी को डाउन। पूरी स्क्वाड हो चुकी है नॉक और सोल ऑफ द स्टैंडिंग M4 विशाल करने चाहेंगे फिनिश। फ्रैब को कर दिया है फिनिश, टॉक्सिक को भी डाउन कर दिया है M4 विशाल। सोलो प्लेयर स्टैंडिंग वाई, देखते हैं कैसे खेलते हैं। शायद से बटास की स्क्वाड को अंदाजा नहीं है क्योंकि यहाँ पे विशाल लेटे हुए हैं। सामने से गॉडल तनिष्क, ओके रश हो रहा है शायद से, रोटेशन दे रहे हैं। ट्रैप को ट्रैप ने कर दिया है फिनिश, गॉडल तनिष ने भी कर दिया है, हाथ साफ कर लिया है भाई और हो चुकी है पूरी स्क्वाड फिनिश। वाई 1v3 का सिचुएशन, इनको लग रहा है और उनकी स्क्वाड अभी भी सामने मौजूद है पर कोई आइडिया नहीं कि सोलो इनके प्लेयर इनके पीछे खड़ा है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। शॉट आउट कर लिया है और ये मैच जाते हुए वटोस की किस स्क्वाड पे विथ 9 kills 12 played गाइस। सभी स्क्वाड अच्छी खेले भाई, बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए। देखते हैं सबके और एक मैच होगा गाइस, फटफट ज्वाइन कर लो, आईडी पासवर्ड आ जाएगा ग्रुप में, फटफट ज्वाइन करना, पहले मैच जैसा लेट मत करना गाइस। सो वेल प्लेड वटोस्की एंड हिज स्क्वाड विथ 9 kills। विल बी राइट बैक गाइस, तब तक आप कुछ ऐसा देख लीजिए।
First point for the red team. Team match. Let's go. कस्टम बनाने वाला हूँ Thank you.
ओके यहाँ पे लॉग में आ चुके हैं सब प्लेयर। फिलहाल कुछ सोलो खेल रहे हैं, कुछ डो खेल रहे हैं। देखते हैं इधर प्रॉपर 1 2 3 4 5। हेलो 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 भाई, बोल चल। हेलो हेलो, 10 प्लेयर है भाई। हेलो हेलो, अरे भाई इधर किधर से आवाज आ रहा है भाई मेरे को? बोल माइक ऑल से टेंजिंग भाई, क्या हमको फॉलो मत कर। टेंजिंग तेरा आवाज आ रहा है। CLTS नूब, CLTS नूब, अबे ए किलर स्प्रे को मार के दिखा बे नूबड़े, किलर स्प्रे को मार के दिखा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तेरी मां के ना मदर लौड़े के मदर चोद, अबे गांड में किसी ने डाल दिया क्या? इतना जल्दी जल्दी बोल रहा है, पोचिंग किया मदर चोद भाई, क्या हो रहा है? नहीं रे स्कैम दे रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, हॉल पे आते हैं। ओके प्लेन बात कभी स्टार्ट हो गया गाइस, मालूम भी नहीं पड़ा। ओके यहाँ पे अद्वैत की स्क्वाड जाती हुई सेवरनी पर, यहाँ पे और जाएंगे वाटर्स की स्क्वाड जाएगी जॉर्जो सिटी पे, कंटेनर पे जाएगी ओम साई की, एसटीके महेश की स्क्वाड, और कौन प्लेयर है भाई, ये सोलो प्लेयर एसपीडी अर्ली फाइट देखने मिल सकती है हमें। ओम साई की स्क्वाड जाएगी पोचिंग कीपर, आगे जाएंगे यहाँ पे स्कूल पे जाएगी वाईटी शैतान, फिर मिलिट्री बेस पर जाएगी डाकरम और उसकी स्क्वाड जो कि है एटम एंटेक की। भाई कोई भी किसने भी मत घुसो यार, अपने स्क्वाड में रहो ना। यहाँ पर डार्क पार्टी की स्क्वाड लूट रही है फार्म, फिर किलर स्प्रे की स्क्वाड लूट रही है मिल्टा वेस्ट मिल्टा, फिर एमआर वायरस जा रहा है सोलो प्लेयर मिल्टा के एंड में लूटने के लिए। यहाँ पर अर्ली कोलिजन मिल रहा है, देख सकता है मैं आर आर गेंडा स्वामी ज्वाइन कर चुके हैं लॉबी और उतर चुके हैं, स्पॉट आउट कर लिया गया और अर्ली फिनिश बाय टॉक्सिक यश। यहाँ पे सभी स्क्वाड अपने अलग अलग ड्रॉप लोकेशंस पे है, देखते हैं। ओके जोन बन चुका है नॉर्दर्न ईस्ट साइड पे, यहाँ पे हमें फाइट देखने मिल सकती है एसटीके महेश, और ग्राउंड लेवल पे है एसपीडी लेजेंड एफटीडब्ल्यू की, देखते हैं शायद से हमें इधर विल्टा में फाइट देखने मिल सकती है। लूट कंप्लीट करेंगे अपने अपने सब प्लेयर्स, हाथ में डीसी काल वाइफ, डार्क स्पाइडी के पास बैरल मौजूद रहेगी, स्नैक्स एंड दार वाले के पास रहेगी शॉटगन, फिलहाल लूट और लूटने के लिए देख रहे हैं। विल्टा में रहेगा टीम एफएक्स फोर्स लेयर, पैक की स्किन अच्छी है वे। अबे अपनी लूट कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर डीपी रहेगी और M24 रहेगी नॉट टीम गेमर के पास, किलर स्प्रे के पास रहेगी उजी और AKM। ये देखते हैं एक दो स्क्वाड हो चुके हैं एलिमिनेट, मतलब दो सोलो प्लेयर, दो टीम हो चुके हैं एलिमिनेट, सोलो प्लेयर थे। यहाँ पे पास में ही शेल्टर पे है बैग बनी और उनकी स्क्वाड, अपनी लूट कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं लूट कंप्लीट करेंगे शेल्टर के अंदर, उनके स्क्वाड को देखेंगे।
रोटेशन दे रहे हैं, अर्ली रोटेशन दे रहे हैं। डब्ल्यू टी एफ की स्क्वाड लूट कंप्लीट कर रही है अपने फ्रीजन में। ओके, सो क्लस्टर देखने मिल सकता है हमें यहाँ पे। चंदू विक्टर होवे दे रहे हैं अर्ली रोटेशन, देखना चाहेंगे कहाँ पे जा रहे हैं। मिलिट्री वेस्ट साइड जा रहे हैं, यस मिलिट्री वेस्ट साइड पे जा रहे हैं। स्काउट करेंगे ब्रिज को, यहाँ पे स्काउट करना, देख रहे हैं कोई प्रेजेंट है या नहीं मिलिट्री बेस के ब्रिज पे। मिलिट्री बेस पर रहेगी एटम एंटिक स्क्वाड। यहाँ पे स्कूल में आ चुके, अपार्टमेंट्स में आ चुके वाइट शैतान। यहाँ पे रोटेशन दे दिया है एमसीडी प्रो और ओम साई की स्क्वाड इन्होंने। फिलहाल सोलो प्लेयर प्रेजेंट है के स्पॉट करने चाहेंगे। यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड लेवल पर क्या करते हैं। बहुत क्लोज है, इनके नेड करेंगे, नेड कुक करके डाल देंगे। ओके नेड डाल दिया है, यहाँ पे हल्का सा डैमेज मिल चुका है। स्पॉट आउट कर लिया हो जाएगा नॉक। और ओके बहुत ही अच्छा स्प्रे था एस पी डी लेजेंड एफ टी डब्ल्यू की तरफ से। 1 HP छोड़ते हुए शकुल चौहान को रिवाइव दिया जाएगा। टीम किल्स 1, हील ऑफ कर लेंगे खुद को और जोन के अंदर जाना चाहेंगे। बाजू में रहेगी बटाउस की और की स्क्वाड, लूट करेंगे जॉर्जो सिटी में। मस्त की ने भाई टैंजिंग ओपी फ्रैब बोलते हैं बटाउस की। हम यहाँ पे रोटेशन क्लैश दिखता हुआ स्क्वाड नंबर 10 और स्क्वाड नंबर 8 के बीच आधे प्लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे ब्रिज पर। देखते हैं क्या होता है आगे। काले बॉय ने स्पॉट कर लिए प्लेयर्स। ओके लूट कंप्लीट करना चाहेंगे अभी भी फिलहाल। किलर्स प्लेयर की स्क्वाड ब्रिज के एंड पे होल्ड करते हुए देखते हैं क्या करते हैं। अभी भी स्पॉट करने की कोशिश में है ओम साई और की स्क्वाड वाइटी शैतान को। M4 का स्प्रे देखने मिल सकता है, एक नॉक निकना देखने मिल सकता है। 4X कोई स्प्रे नहीं दिया। ओके गलत हो चुके हैं, स्पॉट आउट अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। प्लेयर स्पॉट हो चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके रोटेशन दे रहे हैं, यहाँ पे हमें क्लैश देखने मिल सकता है मिल्टा पे। फिलहाल अभी भी लूट ही है। ड्रॉप नंबर, ये ड्रॉप नंबर 1 आता हुआ M249 विथ 8x को ओवर लेवल 3 यूटिलिटी वेस्ट और बैग के साथ। पास ही में मौजूद रहेगी बैग बनी और उसकी स्क्वाड जो लूट कर सकते हैं। MR वायरस अभी भी रोटेशन देते हुए। ओके जोन के बाहर जा रहे हैं हाइपर चंतू और विक्टर सर, शायद मिलिट्री बेस जा रहे हैं। फ्लेयर गन चला है, एलियन 420 सोलो खेल रहे हैं इस बार। ओके एटम एंटी हो चुके हैं डाउन भाई कैसे। ओके बॉम्ब गिरा है इनके ऊपर, हो जाएगा नॉक। रिवाइव दिया जाएगा इनको, कोई भी फाइट नहीं हुई इनके बीच फिर भी। ओके अपार्टमेंट्स में हम देखते हैं रोटेशन दे रहे हैं। क्या हो रहा है ग्लिच, सॉरी इस रोटेशन नहीं, स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वाइटी शैतान को। अभी भी
एमआर वायरस रोटेशन दिए जा रहे हैं अपार्टमेंट्स की तरफ से। ऑलरेडी एक स्क्वाड प्रेजेंट और एक सोलो प्लेयर वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। देखते हैं इनको मालूम पड़ता है या नहीं। यहाँ पे शायद से चंदू और उनकी स्क्वाड ब्रिज कैंपिंग करने देख रहे हैं। ब्रिज कैंपिंग नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे ऑलरेडी दो स्क्वाड प्रेजेंट है ब्रिज के एंड पे। फाइट होने की संभावना हो सकती है वहाँ पे। ओके, कवर में से रोटेशन लेना चाहेंगे। के ड्रॉप, फ्लेयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप नंबर थ्री, नो सॉरी फ्लेयर ड्रॉप नंबर थ्री आते हुए लूट चुके हैं भाई। पास में रहेंगे महेश, मिली है इनको M249 और एक ओम। अच्छी लूट है भाई, कर लो कर लो। बटस के रस्ती स्क्वाड अभी भी जोन के बाहर। अभी रोटेशन देना चाहिए, जोन को रिस्पेक्ट करके अंदर आना चाहिए। ओके, वाइटी शैतान को कर दिया है फिनिश मोरा ने स्क्वाड। फिर रोटेशन दे रहे हैं ड्राफ्ट फ्लेयर ड्राफ्ट की तरफ जाना चाहेंगे। बट उसके उसकी स्क्वाड जॉर्जो कंटेनर फेफर। ऑलरेडी वहाँ इसकी स्क्वाड उधर से निकल चुकी है ड्राफ्ट लूट कर। होल्ड की है, स्काउटिंग करना चाहेंगे यहाँ से। यहाँ पे अभी भी दो सोलो प्लेयर्स प्रेजेंट है, पर होमसाई की स्क्वाड इधर से निकलते हुए शायद प्लेयर को स्पॉट कर लिया। इस प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं। फायर आता हुआ एमजी ने और जेनो की तरफ से कि मेंबर ज्वाइन नहीं कर पाए, शायद से सोलो खेल रहे हैं। स्पॉट कर लिया है एसटी के महेश और शकुल चौहान। ओके, मोराटा ने डाउन कर दिया और हो जाएंगे फिनिश। फिनिश हो जाएंगे एमजी जूनियर जेनोन। सोलो प्लेयर खेल रहे थे। यहाँ पे स्लैमिन आने की संभावना नहीं। गाड़ी का स्किन बहुत ही अच्छा है। ओके, एम जे के प्लेयर को लूटना चाहेंगे। अभी भी सोलो प्लेयर एम आर वायरस कहाँ पे हो भाई, एक कंपाउंड होल्ड करके बैठे हैं। ओके, धीरे धीरे अभी भी हमें यहाँ पे फाइट नहीं देखने मिली है। स्क्वाड नंबर 8 और स्क्वाड नंबर 10 के बीच में, स्क्वाड नंबर 10 की स्क्वाड रोटेशन देते हुए जोन के अंदर। यहाँ पे ड्रॉप नंबर, एयर ड्रॉप नंबर 4 लूट लिया है। अबे भाई किसने लूटा है, चंदे और उनकी स्क्वाड ने लूट लिया। देखते हैं इनको क्या मिला है। चंदे भाई किसको क्या मिला है, ग्रोजा मिली है भाई, ग्रोजा विद अदर यूटिलिटीज़। ओके, रोटेशन देना चाहेंगे। साथ में रोटेशन दे रहे हैं 8 नंबर के स्क्वाड 10 नंबर के स्क्वाड के साथ। ओके, पोजीशन एक दूसरे की कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। करेंगे फाइट, शायद से डिसएंगेज कर रहे हैं फाइट। यस, फाइट डिसएंगेज करके आगे बढ़ना चाहेंगे, जोर को रिस्पेक्ट देना चाहेंगे। टीलर की स्क्वाड ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, होल्ड की है, जोन के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, जोन के एंड पर होगी एटम एंडे की स्क्वाड और डीसीओ जेरी हो चुके हैं। ज़रा सा लाल बोलना चाहेंगे, मतलब है कि ज़रा सा डैमेज हो चुके हैं इनके प्लेयर। ओके, प्लेस उनके बाहर है। ओके, सब प्लेयर ऑफलाइन हो गए या कोई प्रॉब्लम होगी मालूम नहीं। ओमसाई ने कर दिया है एमडी वायरस को डाउन बाय नीड और हो जाएंगे फिनिश एलिमिनेट। नंबर की स्क्वाड को कर लिया है स्पॉट, स्प्रे दे रहे हैं, बहुत डैमेज हो चुका है। डीसी जोरी हो जाएगी प्लेजन से फिनिश। अभी भी डाक की स्क्वाड डिसएंगेज करते हुए फाइट्स को। द
WTF की स्क्वाड अभी भी क्या कर रहे हैं मेंशन में? पूरी स्क्वाड प्रेजेंट रहेगी, लूट कंप्लीट कर रहे हैं या कोई टाइम फास्ट कर रहे हैं, जोन का वेट कर रहे हैं, ये जोन का वेट कर रहे हैं। फांस में फांसी में रहेगी स्क्वाड नंबर 21, अपनी लूट कंप्लीट कर रहे हैं, टाइम फास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंपाउंड होल्ड किए हुए हैं। देखते हैं डार्क साइड की स्क्वाड क्या करते हैं। ओके, और एक गाड़ी ढूंढने की कोशिश हो जाएगी फिनिश डीसी और जेरी प्ले जोन से, क्योंकि मिलिट्री वेस्ट पर थे। और एक एयर ड्रॉप आता हुआ, एयर ड्रॉप नंबर 5 रहेगी MK14 विथ एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ और लेवल 3 हेलमेट वेस्ट के साथ। देखेंगे यहाँ पे एयरड्रॉप नंबर 6 भाई आ रहा क्यों नहीं ये? रॉक व्हीलर और उनकी स्क्वाड पे है एयरड्रॉप नंबर 6। ओके, एयरड्रॉप 6 लूट लिया है, गिली शूट पड़ा है, M249 है अपने। रोटेशन देना चाहेंगे या नहीं देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बड़ा कस्टर फॉर्म होता हुआ, स्कॉट नंबर 1 और स्कॉट नंबर 7 सामने से जाते हुए विक्टोरियस डाउन करके 2 फूटेगा और हो जाएगा फिनिश। वेदन डाउन कर चुके हैं चंदू को, क्लस्टर फॉर्म होता हुआ हमें MK14 से डाउन हो जाएगा हाइपर DMS वेदन डाउन, इसको हो जाएगा फिनिश। किल फीड बहुत फास्ट जाती हुई, क्लस्टर फॉर्म होता हुआ बड़ा। यहाँ पे देखना पड़ेगा थर्ड पार्टी करते हुए, ये थर्ड पार्टी करेंगे या नहीं डार्क फाड़ी और उनकी स्कोर। ये थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं, किंग RX डाउन करेंगे हाइपर DNS को, विक्टर सन डाउन कर देंगे WTF एलेक्स को, स्पॉट कर चुके हैं, किंग RX डाउन हो चुके हैं डाउन। ओके, फर्स्ट एड किल करके यूज करके हेड को हील करके इसने उड़ा चुका है, नहीं सॉरी इट्स अ ग्लिच। देखते हैं ग्रोजा है हाथ में, डाउन को डाउन कर दिया है और हो जाएगी इनकी स्क्वाड एलिमिनेट थर्ड पार्टी करते हुए इनकी स्क्वाड। टीम किल्स तो देखते हैं सोलो प्लेयर को फिनिश करके आएंगे या नहीं, 1v1 का सिचुएशन। विक्टर का ध्यान स्क्वाड नंबर 24 पर है, कुछ अलग ही चल रहा है इनके दिमाग में। ओके, स्क्वाड नंबर 24 रोटेशन देते हुए डायरेक्ट फ्लैमिन डालना पाएंगे शायद, तक कोई आइडिया नहीं मेरे को भी। ओके, पहले से प्रेजेंट है या फिर स्क्वाड नंबर 8 के प्लेयर्स ने दारू वाला, देखते हैं कोई आइडिया है या नहीं इनको। पीछे से एक ADS और कवर मिलता हुआ इनको ऑलरेडी, स्पॉट कर चुके हैं फ्लर, कोई आइडिया नहीं भाई। ओके ओके कर दिया है नॉक इनको, मोराडो को डाउन फिनिश करना चाहेंगे। ओके फिनिश कर दिया है, पीछे से बैकस्टैब हो सकते हैं। ओके हो गए हैं डाउन, पीछे से कवर फायर आता हुआ और कर देंगे मैक्रो का डाउन, और विक्टर जरूर इनका फायदा कर उठा लेना चाहेंगे। विक्टर अभी भी अपनी पोजीशन रिवील नहीं किए हुए है, मैक प्रो को मिलेगा, MCD प्रो को मिलेगा रिवाइव। ओके, इस फाइडे की स्क्वाड पुश करेगी या नहीं, दोनों एक एक प्लेयर। डार्क रंग को कर दिया जाएगा डाउन बाय शकुल चौहान, यहाँ पे फाइट होते हुए रूइंस के टावर पे शायद रिवाइव दिया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है भाई। काले भाई, कोई भी 2v2 का सिचुएशन, 2v2v1
का क्लस्टर है यहाँ पे, देखते हैं फ्लाइंग फार के एंगल निकालना चाहेंगे क्लस्टर वन डैमेज करने के लिए। यहाँ पे और एक स्क्वाड का स्लैमिन, डायरेक्ट स्लैमिन आता हुआ, टॉक्सिक यश हो चुके हैं, गिर के नॉक, भाई क्या हो रहा है अब, वो मिल जाएगा इनको रिवाइव। यहाँ पे क्लस्टर और एक आता हुआ स्क्वाड का, मल्टीपल फाइट्स डिसएंगेज होते हुए यहाँ पे कर चुके हैं स्क्वाड नंबर 11, नहीं भाई क्या हो रहा है ये, सामने से जाते हुए हमें देख सकते हैं, नॉक करने मिल सकते हैं। यहाँ पे कंपाउंड होल्ड किए हुए एलियन 420 वीक, क्या कैंपिंग लेवल है भाई इनका, सल्यूट। यहाँ पे होल्ड कर लिया है अभी भी, ओके डार्क स्पाइडर के प्लेयर एक नॉक हो चुके हैं, काले वह उनको मिल जाएगा रिवाइव। डार्क रम और एएनटी अभी एच पे होल्ड किए हुए एक प्लेयर के लॉस के साथ, टीम मध्य देखते हैं फांसी में प्रेजेंट है, कोई आइडिया है या नहीं इनको कि फांसी में दो स्क्वाड ऑलरेडी प्रेजेंट है। डार्क साइड उनकी स्क्वाड रोटेशन देते हुए बाहर के साइड सर्कल के बाहर से देखते हैं क्या करते हैं और कहाँ कैसा जाते हैं। जोन का डैमेज आता हुआ एयरड्रॉप नंबर 7, इसमें क्या रहेगा प्रेजेंट, एयरड्रॉप 7 नंबर में रहेगी ग्रोजा विथ एयर सप्रेसर और लेवल 3 हेलमेट वेस्ट के साथ, और ऑफ कोर्स पैक भी रहेगी। यहाँ पे अभी भी विक्टर सर ने अपनी पोजीशन रिवील नहीं की है, इनको आइडिया है जोन इन पे रुक चुका है, ओके यहाँ पे स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं स्क्वाड नंबर 6 के प्लेयर्स। एनीवे इसको पर फिलहाल कोई भी स्पॉट आउट नहीं हो चुका है, सो अपना रोटेशन देना चाहेंगे जोन के अंदर। एटम एंटी की स्क्वाड अंदर जाना चाहेंगे जोन के, रोटेशन दे रहे हैं, आ चुकी है स्क्वाड नंबर 10 जोन के अंदर। डार्क स्पाइडर की स्क्वाड लूट कर रही है बट फिलहाल होल्ड किए हुए कंपाउंड्स स्पॉट आउट करने की कोशिश करेंगे प्लेयर्स को। यहाँ पे फाइनली निकल ही गया, अभी देखते हैं विक्टर सर क्या करते हैं। यहाँ पे विक्टर सर खुद को हील कर लेंगे, वेट कर रहे थे दो प्लेयर्स का जाने के लिए। ये स्पॉट आउट कर लिया, स्प्रे देंगे इसको, उतार पाएंगे या नहीं उतार पाए, ओके ओपन में से जा रहे हैं प्लेयर्स, ओके यहाँ पे भी रोटेशन देना चाहेंगे कि जोन आ चुका है। और एक फेयर ड्रॉप नंबर 8 आता हुआ, देखना चाहेंगे इसके अंदर क्या है। MK14 विच एक मैड और लेवल 3 मिलिट्री वेस्ट हेलमेट और बैग, या रोटेशन दे रहे हैं अकेले 16 प्लेयर अद्वैत और की पीछे से स्क्वाड आते हुए जोन के अंदर बाजू में प्रेजेंट रहेगी वटर्स की और इनकी स्क्वाड, देखते हैं इनको कोई आइडिया लगता है या नहीं, पीछे से बैक स्टैबिंग हो सकती है इनके ऊपर। विक्टर भाई हाँ, अरे बाजू से स्क्वाड जा रही है, अब नॉक हो जाओगे। स्प्रे आता हुआ पीछे से स्क्वाड का इनके ऊपर, हल्का सा डैमेज दे चुके हैं, चेस कर रहे हैं शायद ही। स्प्रे जाता हुआ लाइट हार्ट टी का, ओम साई हो चुके हैं डाउन, स्लैमिन आ चुका है डार्क स्पाइडर, ओके सॉरी डार्क स्पाइडर नहीं वटर्स की के स्क्वाड नहीं, स्क्वाड नंबर 10 का स्लैमिन आ चुका है इनके ऊपर, देखते हैं टेंजिंग कर देंगे लाइटेड को डाउन, ओके यहाँ
फाइट हो रही है भाई, क्या ही बोलूं, मल्टीपल फाइट्स हो रही है। फिनिश कर दे वट्टा उसकी एटम एवेंटी, फिनिश कर दे विक्टर इसको, वट्टा उसकी डाउन कर दे। उसके एक्सपीरियंस वाकई भी फिनिश हो चुके हैं, वट्टा उसकी की तरफ से ओके एक स्क्वाड कर चुके हैं फिनिश। और इन केस दो प्लेयर अभी भी जीवित गाड़ी के अंदर बैठे हुए, कोई भी मूवमेंट देने की कोशिश नहीं कर रहे। स्पॉट आउट कर लिया है ओम का, ओम बोल रहा हूँ, M416 का स्प्रे देना चाहेंगे स्पॉट आउट करके। रिवाइव मिल चुका है ओम साई को और अभी भी यहाँ पे स्क्वाड पुश नहीं कर रही है। जोन के सेंटर में कोई भी प्रेजेंट नहीं, ओके डाउन कर दिया है अद्वैत को प्रैव ने K9 के शॉट से या मोसिन स्नाइपर से। ओके यहाँ पे रिवाइवल दिया जा रहा है, रशिंग हो चुका है इनके ऊपर स्क्वाड का। फर्स्ट प्लेयर को डाउन कर देगा MCD प्रो, अभी देखते हैं कैसा क्लच निकल। गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे पर नहीं, हो जाएंगे डाउन और टेंजिंग उफी और प्रैप कर देंगे फिनिश। फिर जीरो प्लेयर कैजुअलिटी, टीम किल 5। थैंक यू भाई गौरव भंडारे कास्टर ओपी, नहीं भाई इतना ही ओपी नहीं हुआ है। ओके हो जाएगा वापस डाउन, रिवाइव दिया जा रहा है ओमसाई की तरफ से, पुश नहीं किया जा रहा है दूसरी स्क्वाड की तरफ से, देखते हैं क्या होता है। किलर की स्पॉट बाजू में प्रेजेंट है, नॉटी गेमर स्प्रे दे रहे हैं, उनको अंदाजा है कि सामने का प्लेयर कहाँ पे, पोजीशन भी रिवील्ड है ऑलरेडी। डार्क स्पाइडर रोटेशन देते हुए जोन चालू होता हुआ, यहाँ पे एक सोलो स्पॉट अंदर प्रेजेंट होते हुए एक प्लेयर के लॉस के साथ। ओके स्पॉट कर लिया है स्क्वाड नंबर 21 को, ऑम के फटके दे रहे हैं डाकरा। ओके टॉक्सिक यश हो चुके हैं डाउन बाय फ्रैग, फ्रैग दिखा रहे ओम, फ्रैग दिखा रहे मोसिन स्नाइपर का जलवा। मल्टीपल नॉक्स और मल्टीपल फाइट्स साउदर्न साइड से देखने मिल रहे हैं जोन के भाई साहब बहुत ही। और यहाँ पर डार्क स्पाइडर की उनकी स्क्वाड जानते हुए सीधा स्लैम डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके वाटा उसकी ने नॉक निकाला है, ज़रा फाइट मिस हो गई हमारी। ओके राइट साइड से नॉक होते हुए साफ बनते बैक बने और हो जाएंगे फिनिश। सोलो प्लेयर भी हो जाएंगे फिनिश बाय डार्क स्पाइडर की स्क्वाड और काल एफ बॉय की तरफ से। टीम किल्स 5 वहाँ पे, यहाँ पे बड़ा भाई ओम का फटका डाकरम और हो जाएगा काल बॉय फिनिश। भाई सब भी प्लेयर्स डैमेज लेते हुए बैक बनी, सब प्लेयर्स अपने को हील करेंगे, जोन के अंदर जाना चाहेंगे। मैक प्रो को छोड़ दिया जाएगा जोन के बाहर क्योंकि वो जोन का डैमेज लेते हुए नहीं आ पाएगा और हो जाएगा फिनिश। ओम साई अकेले सर्वाइव करते हुए, डार्क स्पाइडर भी अकेले सर्वाइव करते हुए, पूरी स्क्वाड मौजूद रहेगी स्क्वाड नंबर 21। देखते हैं नॉक्स निकल पाएगी या नहीं। डाकरम ओम से बहुत ओपी नॉक निकाल रहे हैं, एक किल टीम किल 5। देखते हैं भाई बहुत ओपी खेलते हुए भाई, देखिए देखिए अपना रिजल्ट और किल देखिए, और एक मैच खत्म होने के बाद वापस निकलेंगे किल्स और रिजल्ट। ओके रोटेशन दे रहे हैं, रोटेशन दे दिया है बग्गी से अपने लिए, सेफ कवर बना लिया है। स्क्वाड जोन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी स्क्वाड नंबर 9। सामने प्लेयर को स्पॉट आउट कर लिया ओम का फटका, जरा भी टच नहीं हुआ। देखते हैं ओम साई कैसा निकालते हैं 1v4। ओके हल्का सा डैमेज पड़ा, अगर एक जरा भी पीक देंगे तो हो जाएंगे फिनिश। यहाँ पे नेड आता हुआ, देखते सर्वाइव कर पाएंगे यानी डार्क स्पाइडर को कर देंगे फिनिश। के हल्का सा डैमेज दे दिया है और एक नेड आता हुआ शायद तक, या नेड गलत लग गया है। एक
K9 का शॉट देते हुए फ्लैंक एंगल बनाते हुए एटम एंटी क्लोजिंग करते हुए मॉली जाएगी इनके पास, ओके हो जाएगी फिनिश बाय डार्क क्रम। ओपी भाई बोलते हैं ओके, यहाँ पर रहेगा 3v4 का सीनैरियो। एटम एंटी की 6 kills, टीम की 6, और यहाँ पे बैगवानी की टीम स्किल रहेगी 2। देखते हैं कैसे निकालते हैं, सभी साफ बने हुए हल्के से एच पी से बचते हुए। एटम एंटी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके थे, यहाँ पर नेड जाएगा एस पी जहेश का। देखते हैं नेड आ चुका है, हो जाएगी नॉक, नहीं ऑफिस टर्न कर दिया है, कुछ दिख रहा नहीं, मूवमेंट करेंगे तो फंस जाएंगे। सो गए, स्मार्ट वर्क बोलते हैं भाई इसको। एक प्लेयर की पोजीशन हो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज जाना चाहेंगे अपने स्क्वाड की तरफ से, कर देंगे फुल स्मोक वॉल। नेड जाएगा टॉक्सिक की तरफ से, पोजीशन रिवील हो चुकी है, देखते हैं नेड पहुंचता है या नहीं। यस, डैमेज हो चुका है, बहुत ही कड़क डैमेज मिला है इनको, हील कर लेंगे खुद को। और एक अगर नेड आता है फटाक से हो जाएगी डाउन, एटम एंटी की तरफ से फ्लैंक एंगल क्रिएट करते हुए। और एक नेड आता हुआ, रिटेलिएशन फायर आता हुआ, और हो जाएगी विगी डाउन, फिनिश भी हो जाएंगे रिवी, विगी फिनिश हो जाएंगे। एक नॉक पड़े हैं अभी भी, देखते हैं अभी 3v2 का सिनेरियो है, क्या कौन निकालता है चिकन डिनर गाइस, कौन निकालेगा, क्या बोलते हो। बैड वन भी हो जाएगी डाउन, सोलो किसी को भी जिनकी पोजीशन पर डार्क राउंड को कर दिया है डाउन। एटम एंटी प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम एंटी लेके जाएंगे आज का चिकन डिनर विद 10 kills 12 प्लेट एटम एंटी। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम, वेल प्लेड गाइस। आपको अगर चाहिए, अगर आपका यूट्यूब चाहिए अपना वीडियो देखना है कस्टम, तो मेरे को व्हाट्सएप पे या कांटेक्ट करो मुझे यूट्यूब पे, सो आई विल गिव यू शेयर यू द लिंक ऑफ यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपके कस्टम दिखाए गए, स्ट्रीम कहे गए। वेल प्लेड गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम, वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड। भाई मजा आ गया है। लास्ट वीकेंड के ये रहे पॉइंट्स, मैच पॉइंट्स जिसने खेले थे लास्ट कस्टम्स, ये रहे उनके पॉइंट्स, देख लीजिए गाइस।
देख लीजिए भाई टीम ओपी वावा के केस, ये मैच दोनों मिस कर चुके हैं, तो बाकी टीम ऊपर आने के चांसेस थे। विनिक्स आज के दोनों मैच का पॉइंट्स आपको कल या परसों तक मिल जाएगा ग्रुप में, देख लीजिए गाइस आज लास्ट वीकेंड का मैच के पॉइंट्स। देख लीजिए भाई फटाफट पॉइंट्स, देख लीजिए नेक्स्ट इसके भी आ जाएंगे ग्रुप आज के मैच के पॉइंट्स नेक्स्ट दो तीन दिन में ग्रुप में। Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.